महानगर के विभिन्न रैन बसेरों का एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने किया औचक निरीक्षण। रैन बसेरों में रुकने की व्यवस्था, पानी, शौचालय को किया चेक, कहा सभी रैन बसेरों में रुकने की है समुचित व्यवस्था। दो शातिर वाहन चोरों शरीफ और शुभम कुमार मधेशिया के ऊपर कैंपियरगंज थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। सीओ कैंपियरगंज श्यामदेव बिंद ने दी जानकारी। एम्स निदेशक सुरेखा किशोर व एसएसपी डॉक्टर गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में जनपद के पुलिस कर्मियों का मेडिको लीगल प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। एम्स निदेशक ने कहा, मेडिको लीगल केसेस में पुलिस व डॉक्टर को एक साथ काम करने से जटिल केसों को भी आसानी से किया जा सकता है साल। धोखाधड़ी, कूट रचना, छल, मारपीट व धमकी देने के आरोप में कोतवाली थाने के पुलिस ने वांछित अभियुक्त रामू चौहान को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के 356वें प्रकाश पर्व के अवसर पर मोहद्दीपुर गुरुद्वारा में गुरुवाणी कीर्तन का किया गया आयोजन। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने गुरुद्वारा पहुंचकर मत्था टेक कर लिया आशीर्वाद, सुना गुरु गोविंद सिंह के जीवन पर कीर्तन। महानगर को जाम से छुटकारा दिलाने के लिए नगर निगम ने शहर के 9 चौराहों पर लगाया स्प्रिंग पोस्ट। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्रपाल सिंह ने कहा, स्प्रिंग पोस्ट लगने से चौराहों पर लेफ्ट लेन रहेगा क्लियर, आवागमन में होगी आसानी। और एक स्वयंसेवी संस्था ने सरकारी प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को वितरित किया यूनिफॉर्म, स्टेशनरी व खेल कूद के सामान एवं पूर्व प्राथमिक स्कूलों को दिया एलईडी टीवी और स्टील के बड़े डस्टबिन व अन्य सामग्री। कहा, भविष्य में यह बच्चे समाज की मुख्य धारा से जुड़कर विभिन्न क्षेत्रों में बनाएंगे अपनी अलग अलग पहचान।